कोई नर गावे, मैया जो मकरत गावे। जहाँ गुफा वाला है, कैलाश गुफा वाला अच्छा लगता है। देखो देखो दीदी क्या बोल रही थी, जाने का मन नहीं कर रहा, चल नहीं तो मेरे को प्यार हो जाएगा। दीदी बोल रही है मेरे को प्यार हो जाएगा मैया जी को देखते ही देखते। और अभी लग रहा है कि हाँ नवरात्र चल रहा है। वेलकम बैक न्यू व्लॉग। और आज है नवरात्र का छठवां दिन, लास्ट व्लॉग देखे आप लोग। सुबह 10 बजे दी थी मैं, पीजी ग्राउंड गई थी। रावण दहन कहाँ हो रहा है, पीजी ग्राउंड में हो रहा है 5 तारीख को, समय 7 बजे से, तो आप सभी आइएगा पीजी ग्राउंड। और आज मैं दो व्लॉग शूट कर रही हूँ, एक सुबह दी आप लोग को 10 बजे और एक शाम 6 बजे आज। तो अभी चलते हैं हम लोग मार्केट से जाने वाले हैं, वहां दिखाऊंगी मैं आप लोगों की कितना रौनक है हमारे अंबिकापुर शहर में। सभी गांव सभी शहरों में काफी धूमधाम से नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं मेन मार्केट अंबिकापुर देवीगंज रोड में और दिखाते हैं रौनक सौनक कैसा है हमारे शहर अंबिकापुर का। तो वीडियो को प्लीज एंड तक आप लोग बने रहिएगा, चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कराइए, उसके बाद ढेर सारी हम लोग पार्टी करेंगे और उस पार्टी में आप लोग भी आइएगा। आप लोग देख सकते हैं हम लोग देवीगंज रोड आ चुके हैं और यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है, स्पेशली दुर्गा पूजा है इस वजह से सारे लोग शॉपिंग्स भी कर रहे हैं और घूमने भी आए हुए हैं। सारे मार्केट्स में कितना ज्यादा चहल पहल है। कंचन तुमको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, हमेशा की तरह बहुत अच्छा। ये वाला रोड हमेशा चहल पहल रहता ही है ना, तो अंबिकापुर का इकलौता रोड है ये देवीगंज रोड, शॉपिंग वाला रोड। अभी भी यहाँ आती हूँ ना, बहुत ज्यादा भरा ही रहता है चहल पहल। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हिंदू युवा एकता संघ लिखा है या मंच है ना, जहाँ गुफा वाला है। हाँ। कैलाश गुफा वाला अच्छा लग रहा है। देखो देखो ये सारा डेकोरेशन किया हुआ है, वाह कितना मस्त लाइट पूरा सजा रही है। वाह इधर भी पूरे साथ चारों तरफ सजा हुआ है, मेरी याद आ गई। अरे काफी ज्यादा भीड़ है आगे तो, हाँ जाने मिलेगा या नहीं बाइक पे देखते हैं, स्कूटी में। मैया की जय। अभी हम लोग पहुंच गए हैं महामाया चौक और यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, चारों तरफ ही डेकोरेट किया हुआ है और यहाँ पे भी बड़ा सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। वाओ काफी प्यारा लग रहा है दोस्तों। हम लोग अब हम लोग पहुंच चुके हैं चांदनी चौक और आपको यहाँ पे से दिखाते हैं यहाँ का व्यू, चारों तरफ तो साथ में मेरे सोनी दीदी आई हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल है, ये येलो कलर से पूरा सजाए हैं और इधर डांस कंपटीशन होगा। दीदी बता रही है ऐसे लेना है, इतना बड़ा है जैसे आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और यहाँ का देखिए कितना मस्त लग रहा है ये। जो कोई नर गावे, मैया जो मकरत गावे, तथा शिवानंद स्वामी। ये देखिए कितना सुंदर। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह पे,
मुझे भी नाम नहीं पता है इधर का, क्या नाम है कंचन? पुराना बस स्टेशन साइड जा रहे हैं हम लोग, पुराने बस स्टैंड साइड जा रहे हैं। चौक को नहीं पता क्या चौक बोलते हैं, चलो देखते हैं। पूरा अंबिकापुर चारों तरफ ही मतलब इतना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, भंडारा भी मिल रहा है। हाँ चलो खाएंगे। यहाँ बैठे हैं, एक नाम में बैठे हैं। अच्छा यहाँ मैं आई थी कल। यहाँ निकलने वाला है विशाल शोभा यात्रा श्री राम जी का। कहाँ आ गए हैं कंचन हम लोग? हम लोग गुदरी चौक आ गए हैं, महाराणा चौक के पास, और पूरे अंबिकापुर का आकर्षित ये जगह बना हुआ है। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। वाओ, अब लग रहा है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है दोस्तों। क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों। ये हमारा शहर अंबिकापुर, देखो वाह वाह, इधर भी दिखाओ। अरे यार सब मुझे देख रहे हैं कि एक बोल जा रही है। हाँ यही महाराणा प्रताप चौक का बोल रही थी। देखिए, और ये है सबसे सुंदर पूरा अंबिकापुर का नंबर वन। हम लोग आ गए हैं महाराणा प्रताप चौक के पास, और अंदर जाते हैं और मैया जी के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। और अंबिकापुर का यूनिक सा आप लोग देख सकते हैं, ऊपर में काफी ज्यादा लाइटिंग सेटिंग एकदम लगा हुआ है, और अभी लग रहा है कि हाँ नवरात्र चल रहा है। तो अभी ऊपर जा रहे हैं। अकोल चंद्र सत्य नर शिव हड़बा हड़माला चलमल साज जय दिगंबर जय संगे नाच। अभी पूजा चल रहा है, डमरू बाजे। अभी पूजा के बाद चेहरा ओम जय का दिखाएंगे। आरती होने जा रहे हैं दोस्तों, आरती। अभी जा रहे हैं हम लोग प्रसादी खाने के लिए, भोग भंडारा मिल रहा है, ज्यादा भीड़ है। तो प्रसाद मिल गया है हम लोग को, हलवा या जय माता दी। हम लोग फिर से आ गए हैं प्रसाद खाने के बाद माँ के दरबार में। अभी माँ का चेहरा खुल गया है, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं कि हमारी माँ कितनी प्यारी लग रही है। और आज है नवरात्र का षष्ठमी दिवस, आरती चल रहा है। वाओ कितनी प्यारी लग रही है यार, माँ के हेयर देखिए आप लोग, कितने प्यारे लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। और माँ का ड्रेसअप भी बहुत सुंदर लग रहा है, रेड कलर की साड़ी पहनी है। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर ना लग रहा है, देखते ही रहूं माँ को।
काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ से जा रहे हैं, माँ को देखते ही रह गए हम लोग। काफी ज्यादा प्यारी लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में स्थापित करते हैं ना, वैसी लग रही है, जैसे संगमरमर पत्थर का है ना, वैसी लग रही है। नहीं लग रहा है कि ये मिट्टी की बनी हुई है हमारी मैया जी। उनका ड्रेसअप और उनका हेयर लाजवाब, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है ना। दीदी को देखो कैसे देख रही है, दीदी कैसे देख रही है, जब से देख ही जा रही है, लेकिन फिर आएंगे माँ के दर्शन करने करने के लिए। हेलो, सोने का क्या सच में कहाँ पे हाथ में? ओ हाँ यार, मैं तो देख ही रही हूँ सही में, सोने की मंगलसूत्र कोई चढ़ाए हैं हाथ में। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए माँ के हाथों में सोने की मंगलसूत्र कोई चढ़ाए हुए हैं, कोई भेंट किए हैं माँ को। कितनी प्यारी लग रही है यार यहाँ की मैया जी, पूरे अंबिकापुर के नंबर वन ये पंडाल है। समय 9 बज गया है दोस्तों और जाने का मन एकदम ही नहीं हो रहा है मेरे को, तो लग रहा है यही रह जाएं हम लोग, यही माँ का सेवा करें पूरे रात भर। और दीदी क्या बोल रही थी, जाने का मन नहीं कर रहा, चल नहीं तो मेरे को प्यार हो जाएगा। दीदी बोल रही है मेरे को प्यार हो जाएगा मैया जी को देखते ही देखते, तो चलते हैं हम लोग घर। मॉर्निंग, अभी मैं सुबह व्लॉग को एंड कर रही हूँ, नाइट में आई, उसके बाद थक गई एकदम ही, व्लॉग एंड नहीं की। मेरे अगल बगल में थोड़ी सी मुर्गी मुर्गा पालन है, मतलब पड़ोसी लोग पाले हैं, तो वो अरे बोलने दो। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ दोस्तों, आज है 2 तारीख और आज सप्तमी भी है, तो आप सभी को सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, जय माता दी। और आज मैं जाने वाली हूँ शाम को, अभी 12 बज रहा है, शाम को 6-7 बजे जाऊंगी मैं पार्टी इवेंट पे, डांडिया नाइट सेलिब्रेशन है उस पे। इन लोगों को देखो इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मिलती हूँ शाम वाली ब्लॉग वीडियो में। तो अभी ले रखती हूँ वीडियो को यहीं तक, कुछ पूछना है कुछ जाना है तो इंस्टाग्राम मैसेज कर लीजिएगा, आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई दूंगी मैं। वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, तो दिल से थैंक यू सो मच। अभी रखती हूँ वीडियो को यहीं तक, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।